बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्यात्म ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में। हस्तरेखा के इस विशेष चैप्टर में आज हम कुछ खास चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े तो एक निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ताकि अध्यात्म ज्योतिष वास्तु की तमाम जानकारियां आप समय समय पर प्राप्त होते रहे। देखिए, आज हम इस बोर्ड के जरिए समझेंगे, मैं हाथों के आकार के स्वरूप के आधार पर आपको बताऊंगा कि अगर हाथ का आकार छोटा बड़ा या मध्यम किस प्रकार का होता है और उसका क्या भविष्य, क्या फल हम समझ सकते हैं, क्या पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं इस कुछ खास संरचनाओं से। अब आपके सामने एक हाथ बना हुआ है बोर्ड पर, आप देख रहे हैं। जब इस हाथ में हम देखते हैं कि यह हाथ सामान्य अपने स्वरूप के आधार पर, मान लो कोई 6 फीट का आदमी, 7 फीट का आदमी, उसके हिसाब से उसका हाथ छोटा बड़ा हो सकता है स्वरूप के हिसाब से, लेकिन जो सामान्यतः सामान्य हाथ होते हैं उसका लक्षण क्या होता है, लेकिन जो सामान्य से अधिक छोटे होते हैं उनका क्या होता है, और जो बिल्कुल छोटे छोटे हाथ होते हैं उनके क्या मायने देखे जा सकते हैं। जैसे कि हाथ हमने एक सामान्य हाथ बनाया हुआ है, अगर इससे छोटा मान लो कि यहाँ तक सिकुड़ जाता है, यहाँ तक सिमट जाता है, तो ऐसे छोटे हाथों का क्या फल हम समझ सकते हैं। देखिए, पिछली बार हमने हाथ पर बालों को लेकर चर्चा किया था। हाथ पर जब बाल होते हैं, लाल बाल होते हैं, किसी के बिल्कुल घने सघन होते हैं, किसी के हाथ पर बाल ही नहीं होते, स्त्रियों के उसमें क्या फल देखा जा सकता है, कैसे उसको अलग अलग प्रकार से समझा जाता है, इस पर भी हमने पिछले कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा किया था। आज हम छोटे हाथ यानी जो सामान्य आकार से थोड़ा छोटे होते हैं ऐसे हाथों की बात करें। ऐसे लोग स्वच्छंद वृत्ति के होते हैं, इनको किसी का इंटरफेयर अच्छा नहीं लगता, अपने खुले विचार, अपने स्वतंत्र विचार और अपने स्वतंत्र काम करने की मर्यादा इन लोगों को अच्छी लगती है। इस क्रम में हम बात करें तो ऐसे लोग थोड़ा निर्दयी टाइप के भी देखे जा सकते हैं, जो अत्यंत छोटे होते हैं, सामान्य से भी छोटे। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये, तो सामान्य इससे इतना हो गया, एक मान लो कि इससे भी छोटे हाथ हो गए, बिल्कुल सामान्य आकार से छोटे जो होते हैं, तो जो सामान्य से छोटे हाथ होंगे ऐसे लोग थोड़ा सा निर्दयी टाइप के हो सकते हैं। छोटे हाथ में कोमल, विस्तृत और जैसे कि मैंने एक खुले विचारधारा के व्यक्तित्व को बताया जो उसके सामान्य से थोड़ा छोटा, और जो बिल्कुल छोटे होते हैं, ज्यादा छोटे हाथ होते हैं, वो इस प्रकार के लोग होते हैं, उनका थोड़ा निर्दयता और क्रूरता उनमें झलकती है। अब औसतन जो सामान्य हाथ होता है, जो सामान्य हाथ है उन लोगों के अंदर एक सामान्य प्रतिभा, एक व्यवहारिक गुण, एक संपन्नता, एक स्वस्थता, धनी, परिश्रम करने वाले और एक उच्च विचारधारा ऐसे लोगों के अंदर समाहित होती है जो सामान्य हाथ होते हैं। अच्छा, सामान्य से थोड़ा बड़े हम मान लो हाथों को, मान ले कि जैसे ये हमने आकार दे रखा तो ये हाथ, ये उंगलियां यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। और एक होती है अत्यधिक बड़ी होनी, बहुत लंबी उंगलियां हो जाती है, तो अब इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। दो प्रकार से हो सकता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मान लो सामान्य से थोड़ा बड़ा है, तो सामान्य से थोड़ा बड़े जो हाथ होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं वो सूक्ष्म गहराइयों तक जाने वाले होते हैं, यानी जो बात करेंगे वो बिल्कुल गहराई में और सोच समझ करके एक अपनी विशेष बातों को रखते हैं। प्रत्येक विश्लेषण जो भी उनका होता है वो बुद्धि से होता है, और विशिष्टता, विशिष्ट प्रतिभाएं ऐसे लोगों के अंदर छुपी होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अत्यधिक बड़े हों, ऐसे भी आपने देखा होगा कि जिन लोगों के हाथ आपने देखो बहुत अलग से बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग निरर्थक बातें करने में माहिर होते हैं। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि वो कल्पनाशील अधिक होते हैं, सन की टाइप के आप उसको कह सकते हो, और कभी कभी पागल जैसी वृत्ति में, पागलों जैसी हरकत करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत अधिक लंबे हाथ पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाथ की हथेलियां या पूरे हाथ भी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, और ऐसे में ये लोग बात बात पर, आपने देखा कि एक बातों पर जो है हस्तक्षेप करने वाले होते हैं, आपकी बात चल रही है, आप कुछ और बातें, तो बीच में आकर के हस्तक्षेप वहां पर करते हैं। तो इस प्रकार के पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा लंबे हाथ होते हैं। दूसरा एक खास बात ये भी है कि ऐसे लोग असंतुष्ट पाए जाते हैं अपने जीवन में, अपने कार्यशैली से, अपने जीवन में असंतुष्टता उनके अंदर झलकती है। तो यानी कुल मिलाकर सामान्य से बहुत अधिक या सामान्य से थोड़ा अधिक वो तो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक जो है वो उसका फल भी अच्छा नहीं है, और सामान्य से बहुत अधिक छोटे छोटे हाथ होते हैं वो भी शुभ नहीं है। जबकि सामान्य से थोड़ा छोटे और थोड़ा बड़े या सामान्य हाथ, इस हाथों के हिसाब में 5 कैटेगरी में जो हाथ बटे हुए हैं उसमें शुभ माने जाते हैं, खासकर 3 प्रकार के जो हाथ हैं।
तो ये था आज हाथों, हाथों का जो आकार, हाथों के हाथों को आकार को लेकर के चर्चा। आप बने रहें और ऐसे ही तमाम कार्यक्रम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए और खास कार्यक्रम में, तब तक दीजिए इजाजत।